हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, ताइवान के नेशनल डे को जिस तरीके से भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया में कवरेज मिली, उससे चीन बुरी तरह से भड़क चुका है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अब इशारों में भारत सरकार को डराने और धमकाने का काम शुरू कर दिया है और कहा है कि भारत सरकार जिस तरीके से ताइवान का समर्थन कर रही है, अगर उसी तरीके से चाइना भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में फैल रहे उग्रवाद के समर्थन में भी आ सकता है। चीन के सरकारी अखबार ने कहा कि कोई भी देश दूसरे देश को अपने संप्रभुता के बारे में गलतफहमी पैदा करने की अनुमति नहीं दे सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत सरकार आग के साथ खेल रही है। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विश्लेषक ली किंगकोंग के हवाले से कहा, यदि चीनी मीडिया सार्वजनिक रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद को समर्थन दे या भारतीय अलगाववाद समर्थक ताकतों के समर्थन में कंटेंट प्रकाशित करें, तो इस पर भारत सरकार कैसी प्रतिक्रिया देगी। भारत सरकार की ठीक वही प्रतिक्रिया होगी जो चीन की है। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों में ऐसी आवाजें जो दूसरे देशों की संप्रभुता को उकसाती है, उसका विरोध किया जाना चाहिए। साथ ही दोस्तों, उन्होंने लिखा कि जैसे जैसे चीन और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, भारत अमेरिका की तरफ जाता जा रहा है, जो कि भारत के लिए फायदेमंद नहीं होगा। तब से ही भारत ने चाइना के खिलाफ ताइवान कार्ड खेलना शुरू कर दिया है, जो कि भविष्य में जाकर भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। जो भी देश चाइना के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते बनाना चाहता है, उसे वन चाइना पॉलिसी को मानना ही होगा। दोस्तों, यहां पर चाइना का दोगलापन साफ नजर आता है। जब भी भारत तिब्बत या ताइवान के बारे में बोलने की कोशिश करता है, तो चाइना सीधे तौर पर कह देता है कि उसे वन चाइना पॉलिसी को मानना ही होगा और चाइना के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप से बचना होगा। लेकिन वही जब भारत ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 तोड़कर दो केंद्र शासित प्रदेशों जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया, तो यही चीन इसका विरोध करता है और भारत द्वारा उठाए गए कदम को अवैध बताता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर या यूं कहें सीपेक, जिस रास्ते से होकर चीन निकाल रहा है, उसमें एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का है, जिसे भारत अपना अंग मानता है। जब भी भारत के हितों का ख्याल नहीं रखते हुए चाइना ने उस एरिया से ही अपना यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट निकाला, इसमें भी चाइना को दूसरे देशों की संप्रभुता नजर नहीं आई। पर छोटी छोटी बातों पर चाइना अपने देश की संप्रभुता और हितों की बात करने लग जाता है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 10 अक्टूबर के दिन ताइवान के नेशनल डे था। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और चाहता है कि पूरी दुनिया उसे उसके ही हिस्से के रूप में स्वीकार करे। भारत में चीन के दूतावास की तरफ से जारी बयान में भारतीय मीडिया को आगामी 10 अक्टूबर को होने वाले ताइवान के राष्ट्रीय दिवस समारोह से बचने की नसीहत दी गई थी। यही नसीहत चाइना को भारी पड़ गई। लोगों ने ठीक इसका उलट किया। शायद चाइनीज लोग भूल गए थे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ किसी कम्युनिस्ट पार्टी की तरह किसी के हुक्म को मीडिया, इवन सोशल मीडिया, तो कभी भी नहीं मानेगी। और उसी दिन पूरे भारत में हैशटैग ताइवान नेशनल डे ट्रेंड कर रहा था। इतना ही नहीं, भारतीयों ने इस हैशटैग को भारत में चाइना के एम्बेसडर को भी जमकर टैग किया, जो निश्चित तौर पर ही चाइना के लिए चुभने वाली बात थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।